Hello student, welcome to my YouTube channel. This is Mahesh Nagar and in today's video I'm going to explain you Swami and Friends, the first chapter Monday mornings question and answers. जो important questions and answers है वो हम इसमें discuss करेंगे. देखिए board जो भी हमारे साथ कर रहा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम अपने साथ क्या कर रहे हैं इस बात से बहुत फ़र्क पड़ता है. तो हम क्या करने वाले हैं ये हमें देखना है. board ने तो तैयारी कर ली है, हमें अपनी तैयारी करना है बिना टाइम को वेस्ट किए हुए. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके सामने मैंने 2 स्टार लगा रखे हैं, 2 स्टार लगा रखे हैं, और जो लेस इंपॉर्टेंट है उसके सामने 1 स्टार, और जो ना के बराबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके सामने कोई स्टार मैंने नहीं लगाया है. स्टार्ट करते हैं 60 वर्ड्स वाले आंसर से. पहला क्वेश्चन है वाई वॉज स्वामीनाथन अप्रहेंसिव ऑन ऑफ मंडे. मंडे को देखकर वो चिंतित क्यों हो जाता है या उसके बारे में वो क्या सोचता है. विच सेंटेंस इन द लेसन सजेस्ट दैट इट वॉज ए 5-day week इन स्वामीनाथन्स स्कूल. कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो हमें ये बताता है कि उसके स्कूल में 5 दिन का 1 वीक हुआ करता था. बहुत ईजी वे में आंसर है, आप ठीक से सुनेंगे, 2 बार सुनेंगे, 3 बार सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा. For Swami, it was difficult to get into the Monday mood of discipline and work. स्वामीनाथन के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट था कि वो मंडे के मूड में आए, क्योंकि मंडे मतलब स्कूल और स्कूल मतलब डिसिप्लिन और वर्क. He considered Monday especially unpleasant. और especially वो मंडे को unpleasant डे मानता था. The sentence और एक सेंटेंस है after the delicious freedom of Saturday and Sunday. ये सेंटेंस है आपके लेशन में. यह सजेस्ट करता है कि देयर वॉज 5-day week इन स्वामीनाथन स्कूल, क्योंकि यहाँ पर सैटरडे और संडे 2 दिन की छुट्टी की बात कर रहा है. इसलिए राइट अबाउट द 4 persons हु वर स्वामीज फ्रेंड्स. देखिए स्टूडेंट, अगर आप अपनी परीक्षा अध्ययन परीक्षा बोर्ड में देखेंगे तो ये सेंटेंस बिल्कुल एक लाइन, मतलब ये आंसर जो है बिल्कुल एक लाइन का है, लेकिन 2 मार्क्स में अगर आता है तो आपको थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ेगा. मैंने यहाँ पर उसको बहुत बेटर करने की कोशिश करी है और आपको बहुत सजेस्टिव मिलेगा. स्वामी फ्रेंड्स वर, स्वामी के जो फ्रेंड्स थे वो कौन थे. द माइटी गुड फॉर नथिंग शंकर, यानी कि मनी. द माइटी गुड फॉर नथिंग, मनी जो था वो माइटी गुड फॉर नथिंग के नाम से जाना जाता था. दूसरा शंकर, द मोस्ट ब्रिलियंट बॉय ऑफ द क्लास, और जो शंकर था वो सबसे ब्रिलियंट बॉय था क्लास का. सैमुअल द पी, सैमुअल जिसको पी के नाम से जाना जाता था. एंड सोमू द मॉनिटर ऑफ द क्लास, और सोमू जो कि क्लास का मॉनिटर था. दोज वर द 4 दैट ही लाइक्ड एंड एडमायर्ड मोस्ट इन हिज क्लास. ये वो 4 थे जिसको सबसे ज़्यादा स्वामीनाथन पसंद करता था और उनकी तारीफ अपनी क्लास में करता था. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब मनीज पर्सनैलिटी. मनी की पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. मनी वॉज द बॉसम फ्रेंड ऑफ स्वामीनाथन. स्वामीनाथन का ये बहुत क्लोज फ्रेंड था. ही वॉज माइटी गुड फॉर नथिंग, और वो बिना काम का बना जाता था कि बड़ा हुआ सो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर. ही टावर्ड एबो ऑल द अदर बॉयज ऑफ द क्लास, वो क्लास के सभी बच्चों से टावर्ड यानी कि ऊँचा था. ही सेल्डम बॉट एनी बुक टू द क्लास बट ए तमिल नॉवल, वो कभी कभार ही कोई किताब लेकर आता था परंतु उसके हाथ में हमेशा एक तमिल भाषा का नॉवल हुआ करता था. एंड नेवर बॉदर्ड अबाउट होमवर्क, और कभी भी होमवर्क के बारे में बॉदर्ड यानी कि चिंता नहीं करता था, उसके बारे में कभी लोड नहीं लेता था. ही ऑलवेज वोर हिज कैप एट एन एंगल, वो हमेशा अपनी केप जो है वो एक एंगल पर पहनता था. इन मोस्ट ऑफ द क्लासेस ही स्टेड लॉन्गर देन हिज फ्रेंड डिड. ही 2 बार हो गया है, तो जितने उसके दोस्त किसी क्लास में 1 साल रुके होंगे, 2 साल रुके होंगे, पर वो सबसे ज़्यादा 1 क्लास में ही रुका था, यानी कि 1 क्लास में कई बार वो फेल होता था. ये 2 नंबर के हिसाब से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. अगला क्वेश्चन है राइट अबाउट शंकर्स क्वालिटी एज ए स्टूडेंट. ये लेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है. शंकर की क्वालिटी एक स्टूडेंट की तरह बताइए. शंकर वॉज ए क्लोज फ्रेंड ऑफ स्वामीनाथन एमंग 3 अदर्स, बाकी दूसरों 3 और हैं उनके बीच में शंकर भी एक इंपॉर्टेंट फ्रेंड था उसका, बॉसम फ्रेंड था, क्लोज फ्रेंड था. ही वॉज द मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ स्वामीज क्लास, वो स्वामी की क्लास का सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट था. ही सॉल्वड एनी प्रॉब्लम दैट वॉज गिवन टू हिम बाय द टीचर्स इन 5 मिनट्स. टीचर उसको जो भी प्रॉब्लम देते थे वो 5 मिनट में उसको सॉल्व कर देता था.
मतलब बहुत ब्रिलियंट था एंड ऑलवेज गॉट अराउंड 90% और लगभग उसको 90% आते थे हर एग्ज़ाम में. ही कुड स्पीक इंग्लिश इवन इन फ्रंट ऑफ टीचर्स इन ओपन क्लास. वो भरी हुई क्लास में टीचर के सामने भी स्पोकन मीन्स इंग्लिश में स्पोक कर सकता था. ही न्यू ऑल द रिवर्स माउंटेन्स एंड कंट्रीज इन द वर्ल्ड. वो दुनिया की सभी माउंटेन्स कंट्रीज और रिवर के बारे में जानता था. ही कुड रिपीट हिस्ट्री इन हिज स्लीप. और नींद में भी वो पूरा इतिहास दोहरा सकता था. एंड ग्रामर वॉज चाइल्ड्स प्ले टू हिम. और ग्रामर तो उसके बच्चों का खेल था उसके लिए. हिज फेस वॉज रेडियंट विथ इंटेलिजेंस. उसका चेहरे पर एक इंटेलिजेंस की चमक थी. तो हिज नोज वॉज ऑलमोस्ट ऑलवेज डैम. हालांकि उसकी नाक हमेशा बहती रहती थी. क्वेश्चन नंबर 5 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. What are the similarities between Swaminathan and Samuel the P? Swaminathan और Samuel the P के बीच में similarities क्या क्या थी. Samuel was known as the P. Samuel जो है वो P के नाम से नहीं कि मटर के नाम से जाना जाता था because of his size. क्योंकि उसकी साइज ऐसी गोलमोल होती मतलब गोलमोल थी. He had nothing outstanding in him. उसके अंदर कुछ भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था. He was bad in arithmetic as Swaminathan was. वो arithmetic में उतना ही बुरा था या उतना ही कमज़ोर था जितना Swaminathan था. He was as apprehensive and nervous about things as Swaminathan was. और चीज़ों के बारे में उतना ही चिंतित और नर्वस वो रहता था जितना कि Swaminathan था. The bond between them was laughter. उन दोनों के बीच में जो bond था वो laughter का था, हंसी मजाक करने का था. They were able to see together same absurdities and incongruities in things. वो दोनों एक साथ एक चीज़ में एक जैसी क्वालिटी देखते थे. absurdities यानी कि बुरी चीज़ें या गलत चीज़ें या incongruities जो है वो असमानता देख सकते थे. दोनों का point of view मतलब एक जैसा था. ये last question है 150 वर्ड्स का जो कि 5 मार्क्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है. डिस्क्राइब हाउ स्वामीनाथन पास्ड मंडे इन हिज स्कूल. डिस्क्राइब करना है कि स्वामीनाथन अपने स्कूल में मंडे को कैसे बिताता था. मंडे वॉज वेरी अनप्लीजेंट फॉर स्वामीनाथन. स्वामीनाथन के लिए बहुत अनप्लीजेंट था. अकॉर्डिंग टू हिम उसके अनुसार इट वॉज द डे ऑफ डिसिप्लिन एंड वर्क आफ्टर डिलीशियस फ्रीडम ऑफ सैटरडे एंड संडे. देखिए पहले क्वेश्चन का थोड़ा सा इसमें मिक्स करना पड़ेगा आपको तभी आपका लॉन्ग आंसर बन पाएगा. उसके अनुसार मंडे जो है वो काफ़ी अनप्लीजेंट था क्योंकि सैटरडे और संडे की छुट्टी के बाद मंडे मतलब कि डिसिप्लिन और कई सारा काम. ऑन दिस डे इस दिन ही वॉज रिलेक्टेंट टू ओपन हिज आइज. वो बिल्कुल मतलब कि उसकी इच्छा नहीं होती थी कि वो अपनी आंखें खोले. बाई 8 लगभग 8 बजे ही वॉज एट हिज स्टडी डेस्क. और वो 8 बजे अपने बैठता है पढ़ने के लिए अपने डेस्क पर. विच वॉज ओनली ए कॉर्नर इन हिज फादर्स ड्रेसिंग रूम. और वो जो है उसकी स्टडी वो केवल उसका रूम समझ लें अपन या उसकी स्टडी टेबल जो कि एक उसके फादर का ड्रेसिंग रूम का एक कॉर्नर मात्र था. ही सेड ऑन हिज स्टूल. वो अपनी स्टूल पर बैठा है एंड शट हिज आइज. अपनी आंखें बंद करता है टू रिकलेक्ट व्हाट वर्क ही हैड फॉर द डे. और ये अंदाज़ा लगाता है कि क्या क्या काम उसको पूरे दिन करना है. देयर वर 5 पजल्स ऑफ अर्थमेटिक. 5 सवाल है अर्थमेटिक के जो कि प्रॉफिट एंड लॉस के हैं. ये आगे ऐड कर सकते हैं. देन ही हैड टू कॉपी ए पेज ऑफ इंग्लिश लेशन. और फिर इंग्लिश के एक लेशन का एक पेज उसको कॉपी करना था. एंड जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनके डिक्शनरी मीनिंग देख के उसको लिखना था. एंड देन जियोग्राफी भी पढ़ना था. इतने सारे काम उसके पास थे. स्वामीनाथन फेल्ट बोर इन द क्लास. और स्वामीनाथन जब क्लास में पहुंचा था तो अपने आप को बोर महसूस करता था. द ओनली थिंग दैट मेड हिम स्टे इन क्लास रूम वॉज टू वॉच टोडलर्स ऑफ द इन्फेंट स्टैंडर्ड्स फैलिंग ओवर वन एनदर. और उसका दिन में स्कूल में मनोरंजन का एकमात्र साधन था अपनी क्लास में वो बैठा रहता था क्योंकि एक खिड़की के बाहर वो जब देखता था तो वहाँ पर जो इन्फेंट स्टैंडर्ड यानी कि जो नर्सरी के बच्चे होते थे टोडलर्स यानी कि लड़के वो एक दूसरे के ऊपर जब गिरते थे उठते थे वो देखना उसको बड़ा अच्छा लगता था. इसी वजह से वो क्लास में स्टे करता था. एंड थ्रो विंडो ऑन द लेफ्ट. और लेफ्ट साइड की जो विंडोज थी वहाँ से वो क्या देखता था. सी द 12:30 मेल. 12:30 बजे आने वाली ट्रेन को वो देखा करता था. He passed the first hour of the school very quietly. बहुत शांति से उसने जो है वो पहला घंटा बिताया. Then the second period was of arithmetic. फिर second period उसका arithmetic का था. In this period he felt sleepy. उस period में वो काफ़ी अपने आप को sleepy महसूस कर रहा था मतलब उसको नींद आती थी. His teacher's voice was hardly reached to his ears. उसकी टीचर की बातें जो उसके कान तक मुश्किल ही पहुँच रही थी. The next was history. पीरियड उसके बाद हिस्ट्री का पीरियड था. एंड ही लाइक द वे ऑफ टीचिंग ऑफ डीप पिल्लई यानी कि डीप पिल्लई उनको हिस्ट्री पढ़ाते थे. उनका तरीका जो था पढ़ाने का वो उसको बहुत पसंद था.
तो होप स्टूडेंट आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा और आप याद भी कर लेंगे, क्योंकि बोर्ड जो भी डिसीजन लेगा वो हम बाद में सोचेंगे, पहले हम अपने डिसीजन लें और एक भी दिन हम अपना बेकार ना करें, तभी हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, कभी हम कॉम्पिटेंट बन सकते हैं और इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो बी मोटिवेटेड और अपना टाइम वेस्ट मत करिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।